इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी यहाँ पर आपको फ्री फायर के अंदर इस तरीके से दिखाता है रिसीव रिक्वेस्ट रिसीव में, जबकि हमारी रिक्वेस्ट रिसीव बहुत सारी रहती हैं बट एक भी नहीं दिखाता है। तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ से सबसे पहले मिनिमाइज आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च कर देना है फ्री फायर। ठीक है, फ्री फायर में अगर आपको यहाँ पर अपडेट मिले तो अपडेट कर लीजिएगा, फ़िलहाल नहीं आ रहा लेकिन अगर आ रहा हो तो कर लीजिएगा। सही है, सबसे पहले आपको ये करना है, फिर बैक लाना है और अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स में भी हम चलते हैं और उसके बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस पे जाना है। सीएल ऐप्स को यहाँ से खोल लेना है और फ्री फायर को यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा, इसे खोल लेना है, यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है और परमिशंस पे यहाँ पर स्टोरेज की परमिशंस और टेलीफोन की परमिशंस अलाउ करती है, क्योंकि कुछ फाइलें बनती हैं फाइल मैनेजर में, अगर वो रिसीव नहीं हो पाती, वो सेव नहीं हो पाती तो शायद मे बी वो दिखा नहीं पाती। और फाइल मैनेजर में भी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा, फाइल मैनेजर में जाइएगा और यहाँ से परमिशन की स्टोरेज की परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, और फ्री फायर पे दोबारा जाइएगा अलाउ करने के बाद और यहाँ पर नीचे आइएगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर दीजिएगा, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने दीजिएगा, कैचेस में जाकर कैचेस यहाँ पर आपको क्लियर कर देनी है, बस आपको इतना ही करना है। फिर बैक लाइए और अपने फ़ोन को बंद करके खोलिए, जो इशू आ रहा होगा फिर वो देखने को नहीं मिलेगा अगर अपडेट कर लेते हैं आप लेटेस्ट। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।